जल हाथ में लेकर अपने गोल घेरा बनाए। ओ नमो आदेश गुरु को वज्र वज्री वज्री वज्र में बांधा दसो द्वार को धरे उलट वेद वाही को खा पहली चौकी गणपति स्नान। ओम गंगा तीर जटाभर सोम सोमार्थ शेखर नया मज्ञा मज्ञा मैं आसन नीति स्नान कृष्ण वही सोम श्री कृष्ण गुरु स्नान समर्पयामि। चंदन ओम नम सुगंध देहाय यबंध फलदायिनी मध्यम गंधान प्रदास्यामि सर्वाज्ञान विभंजन श्री कृष्ण गुरु विभिन्न गंधम समर्पयामि। अक्षतां धौरां देव सिद्ध गंधर्व पुरित सुंदरेश नमस्तुभ्यं गृहाण वर्धो श्री कृष्ण कविभ्यो अक्षतां समर्पयामि। ओम सुरम गुरुभ्यो नमः पादौ पूजयामि नमः ओम परात्र गुरुभ्यो नमः पादौ पूजयामि नमः ओम पारमेश्वर गुरुभ्यो नमः पादौ पूजयामि नमः संराज्य वा सोमेन यजते देव सुषो सुषाम एतानि हविषी भवन्ति एतावन्तो वै देवाना सहस्त येन पुनः सुवन्ति राज्याय देवासु राजा भवति। श्री कृष्ण गुरुभ्यो नमः ईराजन समर्पयामि। आप हाथ जुड़ कर बैठे गुरु चार ओढ़ ले हाथ जुड़ो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा कहो बोलो। स्वामी श्री सच्चिदानंद सदगुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सदगुरु हृदय प्रखो रेटेण सत्य प्रखो मंत्र बोल रहा हूँ। बोलो ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्र बोल रहा हूँ। ओम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। एक बात को याद रख लो, मैं जो साबर विधान की दीक्षा दे रहा हूँ ये दीक्षा कलयुग में बहुत कम लोग जो नाथ सांप्रदायी है जिन्होंने दीक्षा संपन्न की है जिन्होंने मंत्र दीक्षा को सिद्ध किया है साबर विधान करने की जरूरत नहीं और उसको किसी वर्ण की जनेऊ पहनने की चंदे में वेश को वाला मंत्र दीक्षा दीसको वाला गायत्री इवन्नी साबर विधान मंत्रालय के लिए वही तत्काल फलिता यह विधा अंटे पड़ चट पड़ को वेद मंत्रे नीवे बीजें नाटी चट मल तरह पूल फलिता साबर विधा विधाने एक् निबड़नारो अड़े फलिता पंद साबर विधा की विशिष्ट अर्ये कि वेद मंत्र में क्या गया है आप बीज मंत्र को बीज को रखो पेड़ होगा उसके फूल लगेंगे फल होगा उसके बाद में आप फल के फल का अनुभव करो। लेकिन साबर मंत्र ऐसे नहीं है आम का फल लगा हुआ है पेड़ लगा हुआ है वृक्ष के पास जाओ खड़े रहो आम के फल को ले लो खा लो ये साबर विधान है। तत्काल फल की प्राप्ति कलयुग में होने का विधान है क्योंकि पहले जमाने में हजारों वर्ष साधु लोग जिया करते थे उनको 12 वर्ष 12 दिन की तरह लगते थे। हमारे लिए 12 वर्ष चले गए तो हमारा जीवन चले गया हम 60 वर्ष 70 वर्ष जीना हमारे लिए बहुत कठिन बात होगी। इसलिए साबर विधान गुरु जी कहते हैं कि इस कलयुग में आपको तत्काल फल देने वाला है। जो मुझसे आज साबर मंत्र के विधान को लेकर साबर ये 3 दिनों में इन मंत्रों की साधना करना चाहते हैं और आपके जीवन में फल देखना चाहते हैं साबर विधान का मंत्र जो स्वामी निखिलेश्वरानंद का दिया है निखिलेश्वरानंद जी का दिया है जिन्होंने ये मंत्र किया है और आपको इसका अगर तत्काल फल चाहते हो तो मैं आप सब लोग एक एक नारियल ला के अपकर बैठो मैं आखिरी के दिन हम सारे मंत्रों के रूप में एक ही आहुति पूर्णाहुति डालेंगे कल दोपहर में सभी लोग एक एक नारियल जो साबर मंत्र के ले दे आपको दीक्षा है इस नारियल को ही स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का साबर मंत्र का उद्देश्य दीक्षा समझना चाहिए। ये नारियल ला के आप बैठो तब तक भोजन होगा मैं इसके बाद साबर मंत्र की दीक्षा देता हूँ ताकि आज के आज किए हुए सारे साधनाएं आपको सिद्ध हो आप करो तब तक एक भजन। सिंहस्थ में आए थे उन्होंने बद्रिकाश्रम में इस मंत्र को ग्रहण करते समय देवताओं के विरुद्ध एक जंग युद्ध छेड़ दिया था।
कहा था कि देवता तुमने अमृत प्राण किया है सभी को कहकर, और अमृत पान किया है इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हम जब भी बुलाए तुम आ जाए, तुम हमारा काम करें। हम देवताओं का क्या लव नौकर है कि हम तुम्हारे तुम बुलाए अवतारित होकर यहाँ आते हैं, और इंद्र आदि देवता कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए आए हैं क्या? अमृत पान किया है वो नित्य ही जीवंत रहते हैं और उनमें सब कुछ प्राण प्रतिष्ठा है, सब है, उनको मृत्यु ही नहीं है। तो बैठे बैठे क्या करें, स्वर्ग में अप्सराओं का मृत्यु देखते बैठेंगे क्या करेंगे? फिर नवनारायण पापों में हो या पुण्य में, पुण्यवानों में, तो हम जो कुछ भी करें, हम पैदा हुए, हम कार्य कर रहे हैं, तो जब हमें दुख हो और हम तुम्हारी प्रार्थना करें तो तुम्हें आना ही है। तो उन्होंने कहा तुम तपश्चर्या करो। तपश्चर्या करने के लिए उस सत्य युग में 100,000 वर्ष जीता था मनुष्य, बाद में वो मनुष्य 10,000 वर्ष जीने लगा, बाद में 500 वर्ष हुआ, 100 वर्ष हुआ, और आज अगर हमारे कलयुग में 100 वर्ष को देख सकेगा। क्या करना चाहिए इसके लिए? तब भगवान लक्ष्मीकांत श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं बद्रिकाश्रम में पालन पोषण करने वाला देवता कहलाया जाता हूँ, और मेरे पालन पोषण में अगर मेरे भक्त दुखी हैं तो उनको कोई ना कोई मार्ग बताना होगा, और देवताओं की भाषा या देवताओं के यंत्र या देवताओं के प्रत्यक्षीकरण का विधान या इन पेड़ों के बारे में जानने की क्रिया सभी से होने वाली बात नहीं, वो तो अपने अपनी भाषाओं के मदर कहो, माँ कहो, अम्मा कहो, इस सभी आप संस्कृत से लेकर यहाँ तक माँ से ही आरंभ हो गए, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। इसके पीछे कौन सा कारण है? और कोई भी लो, चाहे इंग्लिश का अक्षर लो, हिंदी, उर्दू, कुछ भी लो, अक्षरों का आरंभ अल्लाह से, अलीफ से अ से ही हुआ, अक्षर नागरी नागरिक में अ से ही हुआ, इंग्लिश में भी हो ए से ही आरंभ हुआ, ये भी ऐसे अक्षर हुए, तो इसके पीछे क्या था? इसके पीछे उत्पत्ति का कारण एक ही था, और वो माया के बीच में आकर जिन्होंने तरह तरह के रूप या विधान लिए उसकी बात अलग है। तो भाषाएं अ से आरंभ हुई और ह से पूर्ण हुई, तो इस अ से ह तक के पूर्ण होने की क्रिया को किस तरह लोगों में समझाया जाए? तो संस्कृत भी अ से ह से हुआ, तो ये भी ए से ह से हुआ, तो इन सभी की भाषाओं को एक जगह करते हुए अगर कोई भी अपने उच्चारण से करता है तो भगवान को उनके पास आना ही, देवताओं को उनके पास आना ही है। इस क्रिया को किस तरह करें? ऋषियों ने जटिल वेदों को लिख के रखा है, वेदों का ज्ञान कितने लोगों को है, वृक्षों का ज्ञान कितने लोगों को है, नदी का ज्ञान कितने लोगों को है, जमीन का ज्ञान कितने लोगों को है। आज हमें यह भी पता नहीं, हम वर्णों के ऊपर से जानते हैं, हम काली जमीन है, सफेद जमीन है, लाल जमीन है, पीली जमीन है, इसके अलग अलग कर्तृत्व है और अलग अलग विधान है, यहाँ क्या क्या व्यापार होता है, क्या करना है, ये वेदों ने भी एक के रखा है। काली जमीन में अच्छी फसल होती है तो लाल जमीन में रक्त बहता है, क्षत्रिय ज्यादा बलवान होते हैं, काली जमीन में शूद्र बलवान होते हैं, या ब्राह्मण सफेद जमीन में बलवान होते हैं तो वैश्य पीली जमीन में होते हैं। एक वर्ण का गया, एक क्रिया का ही, शूद्र शूद्र जाति नहीं होती, शूद्र कर्म होता है, कर्म का मतलब है मिट्टी से खेलना, मिट्टी से खेल के उसमें सोना उगाना, उसे कहा गया। ओरिजिनल शंभू या शिव ये शब्द से ही आरंभ हुए हैं, और ये शूद्र शब्द भी उसी से आरंभ हुआ है, ये शा शु श ये शब्द ऐसे हैं कि अभी हम शिव को कहाँ देखते हैं, श्मशान में देखते हैं, श्मशान में हम यूं कर जाते नहीं, तो क्या हम श्मशान का तिरस्कार करते हैं, शिव जी का तिरस्कार करते हैं? श्मशान का मतलब श्म का अर्थ होता है वो मनुष्य, वह जो अपने प्राणों को खो गया है, और शान का मतलब है शयन, जहाँ शव मनुष्य शयन करता है उसे श्मशान कहा गया, और वह शिव जी की स्त्री है चाहे कालिका की स्त्री है, हम उसे तो नकारते नहीं। फिर हम शूद्र जाति जाति नहीं है, यह कर्म है, वैश्य यह कर्म है, ब्राह्मण ये ब्रह्म कर्म है, और क्षत्रिय क्षेत्र का रक्षा करने वाला, क्षेत्र की रक्षा करने वाला क्षत्रिय कर्म है, यह कोई जाति नहीं है। इन कर्मों के अनुसार अपने अपने जातियों वर्णों का बात करते हुए लोग आगे बढ़ने लगे। संस्कृत का हुआ, लेकिन जब संस्कृत लोग बोलते ही नहीं, उनकी भाषाओं को उनको आता नहीं, देवनागरी लिपि को छोड़ दिया, मनुष्य अपनी भाषाओं में अपनी संज्ञाओं के साथ कहने लगे, और वृक्ष संस्कृत में कहा जाते, झाड़ पेड़ ऐसा ये लोग कहने लगे, और ये भाषाएं जिस जिस तरह अपने अपने अनुसार बदलते गई, तब नवनारायण ने कहा कि अगर देवनागरी लिपि नहीं है तो देवता पृथ्वी पर आएंगे नहीं, तो फिर इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? तब जब बृहस्पति सिंह राशि में थे, तब नवनारायण ने यह निर्णय लिया कि हम इन मानवों के उद्धार कल्याण के लिए हम भगवान शिव जी से वर प्राप्त करेंगे, और सारे देवताओं को बाध्य करेंगे, उनको बाध्य करेंगे कि तुम्हें हम जब इस मंत्र से बुलाते हैं तुम्हें आना ही होगा, हमारा कल्याण करना ही होगा, हम तपस्या के बल पर तुम्हें यहां बुलाएंगे। और वो अयोनिज नवनाथ नवनारायण बनकर आए, और उन्होंने प्राकृतिक भाषाओं में मंत्रों का साबर विधान में कोई तरह निर्माण किया, और भगवान शिव जी से पहले
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के पास गए और कहा, हम इन मंत्रों की रचना उन उन भाषाओं में करते हैं और वर दो कि हाँ ये मंत्र जो भी बोलेगा उस देवता को आना ही होगा। यह बात जब हुई तो पहले कल आपको मैंने बताया कि मत्स्यनाथ जी ने किस वटवृक्ष के पास मार्कंड भैरव अपने दुर्गा सप्तशती जहाँ मार्कंडी जी ने ऋषि लिखी थी उस सप्तशृंगी पर जाकर उस वटवृक्ष पर द्वापर युग के बाद वो पत्ते होकर देवता बैठे थे। मत्स्यनाथ जी ने सिद्ध किया और मंत्रों के बारे में उन्होंने लिया, लेकिन एक मत्स्यनाथ जी के लेने से कुछ नहीं होता। नव नारायण आए थे और सभी नारायण को यह मंत्र सिद्ध करना था, सभी अपने अपने विधान में। भरतनारी हुए, गोरखनाथ हुए, बंसेन्द्रनाथ के बाद गोरखनाथ आए तो गोरखनाथ को मत्स्यनाथ जी ने फिर बद्रीनारायण के पास ले गया, भगवान दत्तात्रेय पास से दीक्षा दिलवाई और कहा मत्स्यनाथ जी में दीक्षा दी कि यह भी 12 वर्ष तपस्या करेगा और सारे देवताओं से यह वर लेगा कि मैं जब भी यह मंत्र बोलूं मुझे सिद्ध होकर देवताएं आपको आना ही। इसी परंपरा में भर्तृहरि नाथ भी एक नाथ, नवनाथों में से एक नाथ कहलाए गए। इनके बारे में एक विचित्र कथा कहलाई जाती है कि वो इस संसार में आए तो वो बहुत ही राजसी ठाट बाट से यहाँ इस संसार में पैदा हुए। जब एक सही जन्मेजय का यज्ञ चल रहा था सर्पों की इसके लिए और नागवृक्ष के नीचे नागवटवृक्ष था उजाया जाए तो ये फिर लंपट में लंपट हो जाएगा और उन्हें वैराग्य दिलाने के लिए भर्तृहरिनाथ को ले गए और जाते जाते उनके बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनको जंगल में थे, उन्हें कोई लेने के लिए नहीं, तो एक व्यापारी वृंद जा रहा था उनके साथ भर्तृहरि जाते गए, लेकिन भर्तृहरि अपने एक श्रेष्ठ जंगल में उन्होंने छोड़ देने के कारण उनको पशुओं की भाषा का ज्ञान था। जब वे व्यापारी लोगों के साथ जा रहे थे तो कुछ कोल्हे पुकार रहे थे तो उन्होंने कहा, भर्तृहरि तुम जानते हो क्या कह रहे हैं? बोले कि यहाँ चोर है, तुम्हारे लूटने के लिए आएंगे। और जब पता चला तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को रोक के रखा। इस तरह पशु भाषा का ज्ञान भर्तृहरिनाथ को था। उन्होंने जब ये बात कही तो बाद में रात में कोल्हे रोने लगे, कोई कोई करते थे, तो भर्तृहरिनाथ को व्यापारी ने पूछी, ये कोल्हे क्या कह रहे हैं? बोले कि आज रात में राजा एक महान कार्य कर रहा है, यहाँ इस राजा के राज्य में वर्षा नहीं हो रही और अकाल पड़ गया है। जो मनुष्य इस रात में कुछ भी तंत्र मार्ग से अगर वर्षा गिरवाएगा तो राजा उसको अपना राज्य सौंप देगा। सभी को पता चला कि अब ये होगा कैसा, कौन वर्षा, अकाल की वर्षा में कौन वर्षा करवाएगा। भर्तृहरिनाथ जी कहने लगे, ये कार्य तो होने वाला नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई सिद्ध व्यक्तित्व हो तो ये कार्य हो सकता है। सभी लोग सोचने लगे, भर्तृहरिनाथ जी को अपने भगवान दत्तात्रेय जी याद आए। मत्स्यनाथ ने कहा, अब कोई कमाल करना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। और वो देखने लगे कि किस क्या करने से हम इस अकाल की वृष्टि में वर्षा करवाएंगे। तो उन्होंने भगवान दत्ता होते हैं, इंद्र मेघों के राजा कहलाए गए हैं, वरुण देवता इंद्र कहलाए गए जो वर्षा गिरवाते हैं और वो इंद्र होते हैं। तो मत्स्यनाथ ने कहा, क्यों ना इंद्र को ही बांध देकर वर्षा गिरवाने के लिए बाध्य करें। मत्स्यनाथ सब लोग परेशान, इंद्र को मानना देवताओं का राजा है क्या, बांधना मामूली बात है, उसके पास वज्र है, वज्र आयुध है, वज्रास्त्र है, उसको बांधना मामूली बात नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ऐसी बात है, देखेंगे आज जो कुछ भी हो युद्ध हो जाएगा। भर्तृहरिनाथ बैठे थे, मत्स्यनाथ बैठे थे, गोरखनाथ बैठे थे। उन्होंने कहा, देते हो अमृत पीते हो तो केवल अप्सराओं की मृत्यु देखने के लिए, सुख भोगने के लिए और हमारे कष्ट देने के लिए, तुम्हारा काम नहीं बनता इनके दुखों को देने का। नहीं बनता, बोले हमारी इच्छा है वर्षा करवाए तो करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। अच्छी बात है, ऐसी बात है। मत्स्यनाथ बैठ गए। अब इंद्र को बोले, तू देखते रहना, मैं तेरे शरीर में से और वातास्त्र है, उस वातास्त्र से तेरे शरीर से अमृत खींच जाए तो तेरी स्थिति देख लेना क्या होता है। मत्स्यनाथ जी को देखकर कहा, ये मानव मेरे से चैलेंज करता है, मेरे से अमृत ले लेगा, ये होगी होने की बात है। भगवान दत्तात्रेय के पास बैठ गए तपश्चर्या के लिए और आज पृथ्वी पर आज वर्षा नहीं हुई, इंद्र प्रसन्न नहीं हुए तो देवताओं को नीचे उतारूंगा ही उतारूंगा। इंद्र वज्रास्त्र लेकर गए, इसको खत्म करना है, वज्रास्त्र फेंकने गए तो उन्होंने बहुत बड़े पहाड़ों का एक ढेर जमा दिया अपने ऊपर और वज्र आया, पहाड़ पर गिरा उल्टा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मेरे साथ है, ब्रह्मा मेरे साथ है, अभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा और तेरे शरीर से सहस्त्र देवताओं से अमृत को खींच लूंगा, अब तुम देखो तुम मृत हो जाओ। ये बात
देखते ही उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है? इंद्र भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों भी, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था मच्छंद मच्छरनाथ को कि तू इस मंत्र से हम तुझे प्रसन्न होने वाले हैं, तेरे को छेड़ने वाले नहीं। जब इंद्र ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों भी सर झुकाए बैठे हैं तो मेरा असर क्या होगा? कहा इंद्र रेडी हो जा, अभी मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूँ, तेरे अमृत को खींच लेने वाला। जैसा ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा उन्होंने बोला अरे रुक जा भाई, देखते हैं क्या है। पहले वायु को भेजा, वायु नीचे ढीले के साथ गिर गए। दूसरे वस्त्र को वज्र ही गिर गया, उसके से वाताश्र गया। वाताश्र से क्या होता है कि शरीर में वात आके हाथ पैर नीचे गिर जाते हैं, मुंह से बांध नहीं आती, मंत्र नहीं आता, आंखों से कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। जब उनके मंत्र बोल गए चले गए, हाथ से अस्त्र उठाने की शक्ति मिल गई, तो वो आगे क्या करेंगे? इस तरह एक एक करके देवता गिरने लगे। इंद्र ने कहा भाई रुक जा, तू जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं जो बोलेगा। आज तक तो अगर पहले ही मानता था तो मैं मंत्र बोल के तुझे सिद्ध करता था, आज मैं मेरे जहां जहां पर लिखकर मैं यंत्र बनाऊंगा, उस यंत्र में जब नवनाथ का नाम लिया जाए तो उस यंत्र में आ जाना, और यंत्र में आते ही मैं जैसे जिस मंत्र को बोलूंगा मैं जो चाहूंगा वो काम करना ही चाहिए। इस तरह से ध्वज बनाया जाएगा और उसके सामने और पीछे सिंदूर से मैं जो यंत्र कहता हूँ यंत्र बनाकर ध्वज लहरा जाएगा, वहां वर्षा चाहिए तो वर्षा होगी, और जैसा ही ध्वज निकाल देंगे वर्षा बंद हो जाएगी। ये वर दे, ये वर मुझे प्रदान कर। इंद्र बोले अरे यार ये तो पूरी हमारे प्रति, हमारे को पूछेगा नहीं, कल ध्वज खड़ा कर देगा, कोई इंद्र को आहुति नहीं डालेगा, इंद्र का मंत्र नहीं करेगा, तेरा ध्वज हो जाएगा, मच्छरनाथ का नाम लेगा और वर्षा करनी होगी, ये तो पूरी हमारे प्रति तुम्हारी अनास्था है। बोले अब तक इतना भोगते रहे क्या कम है क्या? स्वर्ग में सब कुछ अनुभव करते रहे, हमारे को यहाँ बिड़ा करके छोड़ दिया पृथ्वी पर, आप तो सब सारे स्वर्ग सुख अनुभव करते रहे, हमारे लिए इतना भी नहीं काम कर सकते? बस सोच लो, 5 मिनट में जवाब देना, आप हाँ या नहीं, अब इंद्र की स्थिति क्या होगी आप बता सकते हैं? अगर ये वाताश्र का प्रयोग करता है तो मैं उठ नहीं सकता, नीचे गिर जाऊंगा, आगे क्या करना है? भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन हंसने लगे और कहा नवनारायण थी मत्स्यनाथ, तुमने तो सारे संसार को देवताओं को इकट्ठा कर दिया, कहा देवता तुम्हें आना ही होगा। और पहली बार मत्स्यनाथ और नाथ संप्रदाय के लोगों ने कहा कि जिस घर पर मैं जिस यंत्र को धारण करते हुए सिंदूर से यंत्र खींचा जाएगा और वह ध्वज लहराएगा, उस स्थिति पर वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर वर्षा होनी ही चाहिए, नहीं होने पर ऐसा नहीं होगा। अब यह विधान, यह तंत्र विधान बहुत जरूरी है महाराष्ट्र के लिए, यह साबर विधान बहुत जरूरी है महाराष्ट्र के लिए या फिर कहीं भी। मैं मेरे आश्रम के बारे में, आप हमारे आश्रम में हर झाड़ को हरा देख सकते हैं, कोई सूखा नहीं है, क्योंकि यहाँ निकलेश्वरानंद बैठे हैं, नाथ बैठे हैं, हमारी वर्षा की जरूरी नहीं, हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है, और जब भी जरूरी होगी हम हमारे पर भरोसा कैसा कर लाने कर, हम जानते हैं जो हमारे से श्रद्धा रखते हैं हम उनके बारे में देखते हैं। और ये बात मैंने बहुत बार वाहसर को बतलाई है, क्यों? कि महाराष्ट्र में हमारे देवताओं का अपमान हुआ है, जब तक मान नहीं होगा वहां वर्षा नहीं होगी। लेकिन इस प्रतिष्ठा होने पर भी मैं मेरे साधकों का नाम रखने के लिए, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्यों का नाम रखने के लिए एक बात जरूर कहता हूँ, इस रहस्य को बतलाऊंगा, जो ध्वज रहेगा जिस घर पर वहां वर्षा जरूर होनी चाहिए, उसकी साधना बतलाऊंगा। ये लोक कल्याणार्थ है तुम्हारे, नहीं लोक कल्याणार्थ, जहां वर्षा नहीं होती उस ध्वज पर कौन सा यंत्र सिंदूर से डालने के बाद 24 घंटे के अंदर वर्षा होनी चाहिए, और जो मंत्र मैं बोलता हूँ उस मंत्र को आप करके देखो, कोई हवन की जरूरत नहीं, इंद्र को आना ही होगा, इंद्र को वर्षा करना ही होगा, ये साबर विधान है। हम क्या नाथ संप्रदाय में इसको कर सकते हैं? तो कर सकने से पहले तुम्हें जो नारियल दिया है उस नारियल के अनुसार तुम्हें विद्या और तुम्हारी वाक सिद्धि कर लेनी है, और वाक सिद्धि कर लेने के लिए कल तुम्हें अंगूठी और जो यंत्र को मैंने दिया है उसमें एक ही मंत्र दिया है, दूसरा मंत्र मैंने नहीं दिया, पहले जाकर उस मंत्र को ला लेकर 5 माला मंत्र जप करो, बाद में उस ध्वज का और जिस प्रकार वर्षा करने का और वर्षा को रोकने का, ध्वज जब तक है वर्षा होगी, ध्वज निकाल दोगे वर्षा कम हो जाएगी, चाहे अतिवृष्टि हो रही हो तब। तो पहले आपको आपकी वाक सिद्धि और वाक शुद्धि के लिए आप जो भी साबर मंत्र बोलेंगे उसको सिद्ध होने के लिए 5 माला मंत्र जप कहा गया है। केवल आपके पास यंत्र और मुद्रिका तो कल रात में ही लाई हुई है, मंत्र आप वहां से ला लो और उस मंत्र को 5 माला करना है, पहले 1 माला कर लो, बाद में मैं इस नारियल को सिद्ध करता हूँ साबर विधान गुरु मंत्र के हिसाब से। पहले आप मंत्र ला लो, बोलो जय गुरु।